What is up guys, this is Dipanshu back again with a new video. So guys, last laptop की video मैंने February या फिर March में बनाई थी, लेकिन यार अब मैं इस series को continue कर रहा हूँ क्योंकि उसका यार एक ही reason है, क्योंकि यार graphic card और processor के prices अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे यार एक normal person अब laptop पर shift कर रहा है, तो यार उन्हें अब एक अच्छे laptop की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यार जो PC आपको 50,000 रुपये में मिलता था वो अब 80 से लेकर 90,000 रुपये और कहीं कहीं 1,00,000 रुपये का भी मिल रहा है, तो यार अब एक अच्छा laptop ही लेना best रहेगा इस situation के according। तो यार इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप एक 25,000 रुपीस में एक अच्छा लैपटॉप कैसे बाय कर सकते हो, हार्ड डिस्क, SSD, प्राइवेट शटर, वेबकैम के साथ, या फिर अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, और एक अच्छा ब्रांडेड लैपटॉप। तो यार वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हो टेक बीस, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी लिस्ट का फर्स्ट लैपटॉप है आसुस का सेलेरॉन डुअल कोर। यार बात करें इस लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में, तो यार इसमें आपको इंटेल का सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाता है, तो यार 25,000 रुपीज़ के बजट के अकॉर्डिंग यार बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। आप अपने नॉर्मल वर्क या फिर आप अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यार आप अच्छे से इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो, आप अच्छे से इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो यार, बहुत मतलब ओल्ड गेम्स खेल सकते हो, न्यू गेम्स के लिए लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है। बात करें यार इसके और स्पेक्स के बारे में, तो इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है एंड 4 GB की आपको इसमें रैम मिल जाती है। एंड बैटरी बैकअप की बात करें, तो यार इसमें आपको 5 घंटे की एक अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है। अगर आप यार एक स्टूडेंट है या फिर आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यार बात करें इस लैपटॉप में विंडोज़ की, तो इसमें आपको विंडोज़ 10 होम मिलती है। अब विंडोज़ 11 लॉन्च हो गई है, लेकिन पता नहीं कि कब तक लैपटॉप्स में आएगी, लेकिन अभी तो विंडोज़ 10 होम ही चल रही है, तो इस लैपटॉप में आपको विंडोज़ 10 होम मिलती है। एंड यार बात करें इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये आपको मिलता है 23,400 रुपये का, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील है बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। यार ये आसुस का लैपटॉप बहुत ही अच्छी डील होने वाली है। सो गाइस, हमारी लिस्ट का सेकेंड लैपटॉप है HP 15। यार बात करें यार इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है AMD का 3020E प्रोसेसर। यार ये लैपटॉप का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि AMD के लैपटॉप प्रोसेसर काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू इंटेल। इंटेल के भी प्रोसेसर अच्छे होते हैं, लेकिन यार AMD की जो बैकवर्ड सीरीज होती थी जो लैपटॉप में Ryzen 3 से पहले की, वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर ऑफर करती थी। ये बात करें यार इस लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में, तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है, 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, जो कि आपके स्टोरेज के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। बात करें यार इसके स्क्रीन साइज़ की, तो इसमें भी आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। बैटरी बैकअप यार HP के लैपटॉप्स का काफ़ी अच्छा होता है, कंपनी ने ऑफिशियली 9 से 10 घंटे बताया हुआ है, लेकिन अगर ये 5 से 6 घंटे भी दे दे तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यार बात करें यार इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये आपको 25,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो गाइस, हमारी लिस्ट का थर्ड लैपटॉप है लेनोवो। तो यार जो भी लेनोवो लवर है यार, उनके लिए बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है 25,000 रुपीज़ के अंदर। यार इसका एक जो चीज़ है वो सबसे अच्छी है इन 5 लैपटॉप्स में जो आपको मैं बताने वाला हूँ। यार इसका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसमें आपको मिलता है Ryzen 3 डुअल कोर प्रोसेसर, जो कि यार इन सभी लैपटॉप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यार ये काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगा। बात करें यार इसके ग्राफिक्स के बारे में, तो इसमें आपको AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो, एक गेमिंग आप इसमें पुरानी गेम्स खेल सकते हो, नए गेम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बात करें यार इसके आगे स्पेक्स की, तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है एंड 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है एंड 14 इंच की आपको इसमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। यार बात करें यार इसके बैटरी बैकअप की, तो इसमें भी आपको 4 से 5 घंटे का एक अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो यार बात करूँ यार अब इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये आपको 25,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन अगर आप यार ऑफलाइन स्टोर पे ऑफिशियल जो स्टोर होते हैं लेनोवो, HP, डेल, किसी भी स्टोर से एक लैपटॉप परचेस करते, तो यार आपको वहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, फ्री बैग्स मिलते हैं, फ्री गुडीज़ मिलती है, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है, या फिर वहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट पे भी लैपटॉप्स कभी कभी मिल जाते हैं। तो यार कोशिश करना कि आप एक ऑफलाइन स्टोर से लें। बस हमारे लिस्ट के जो दो लास्ट लैपटॉप हैं, यार ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इन दोनों लैपटॉप में से ही कोई चूज़ करना, क्योंकि यार ये दोनों लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा किलर डील के साथ आते हैं यार आपके। यार आपको इसमें हर स्पेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो इसका रैम हो, यार हर चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, हमारी लिस्ट का फोर्थ लैपटॉप है डेल वॉस्ट्रो 3405। यार ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। यार बात करूँ यार इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको AMD का एथलॉन डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि यार आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड यार बात करूँ यार इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो इस लिस्ट में
इससे सबसे अच्छा लैपटॉप बनाता है वो है यार इसमें आपको मिलती है SSD, आपको इसमें 256 GB की अच्छी SSD मिल जाती है जिससे आपकी लैपटॉप की स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड यार आपको इसमें MS Office का फ्री एक्सेस मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जो कि यार आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपका नॉर्मल वर्क है तो यार ये आपके लिए एकदम परफेक्ट लैपटॉप होने वाला है। बात करें यार इसमें रैम की, तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है। ग्राफिक्स में आपको AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक है। एंड बात करें यार इसके स्क्रीन साइज की, तो इसमें आपको 15.6 इंच का एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। एंड यार बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का काफ़ी अच्छा है, 6 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लॉन्ग रन में ये लैपटॉप आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है। एंड यार अब बात करें इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये आपको मिलता है 25,500 रुपये का। तो यार ये लैपटॉप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको एक ब्रांड का लैपटॉप चाहिए, आपको SSD चाहिए, आपको एक अच्छा वेबकैम चाहिए, आपको MS Office फ्री में एक्सेस चाहिए MS Office का, तो ये लैपटॉप आपके लिए 25,000 रुपये के आसपास बहुत ही अच्छी डील है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी इस लैपटॉप वीडियो के लास्ट लैपटॉप पर। तो यार हमारा 5th लैपटॉप है Asus का Vivobook15। यार किसी को एक थिन और लाइट लैपटॉप चाहिए तो यार उनके लिए लैपटॉप है Asus की तरफ से Vivobook15। तो यार बात करें यार इस लैपटॉप के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है इंटेल सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर। इसमें इंटेल का प्रोसेसर है तो ये काफ़ी अच्छा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करेगा। बात करें यार इसमें आपको रैम की, तो इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड यार स्टोरेज, इसमें भी आपको एक 256 GB की SSD मिलती है, तो आपके लैपटॉप की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है लॉन्ग रन के लिए। एंड यार इसमें आपको 15.6 इंच की एक FHD डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जो कि आपकी आइज के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपका लॉन्ग रन में ज़्यादा काम होता है, 7 से 8 घंटे का डेली वर्क होता है, तो उनके लिए लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये थिन एंड लाइट है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है, विंडोज 10 होम का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। एंड यार आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एंड यार काफ़ी अच्छा आपके लिए लैपटॉप है। तो यार बात करें यार इसके बैटरी बैकअप की, तो इसमें भी आपको 6 घंटे की एक अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है। ऑफिशियली बोला हुआ है कि 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप है, लेकिन 6 घंटे के आसपास इसका लैपटॉप का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। तो यार ये भी आप एक अच्छा लैपटॉप है, अगर आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए तो ये वाला आपके लिए बेस्ट है। एंड बात करें यार इस लैपटॉप के प्राइस की, तो ये आपको मिल जाता है 23,400 रुपये का, जो कि 25,000 रुपये से 1500 या 2000 रुपये के आसपास कम में आपको मिल जाएगा। तो यार मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप इसकी रैम या फिर एक्सपेंड करा सकते हैं या फिर आप इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, तो आप वो पैसे आप उसमें लगा सकते हैं। तो यार ये वाला लैपटॉप जिनको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए या फिर एक्स्ट्रा रैम चाहिए, उनके लिए ये लैपटॉप एकदम बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस ये थे वो सारे लैपटॉप्स जो आपको 25,000 रुपये के आसपास सबसे अच्छे स्पेक्स के साथ मिलते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी लैपटॉप परचेस करना है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन लिंक सबके दिए हुए हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। या फिर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑफलाइन स्टोर से जाके लेना, आपको यार गुडीज मिल जाती है, एक्स्ट्रा बैग मिल जाता है, बैटरी मिल जाती है या फिर वारंटी आपकी एक्सटेंड हो जाती है, तो आप वहां से जाके लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड यार इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है 10,000 रुपीज़ में लैपटॉप। सो यार जो भी वेट कर रहे हैं यार एक अच्छे लैपटॉप में जो कि कम प्राइस में आपको मिलता हो, तो 10,000 रुपीज़ में लैपटॉप की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लैपटॉप से रिलेटेड या फिर कोई लैपटॉप मैं भूल गया हूँ इस लिस्ट में ऐड करना जो कि काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है 25,000 रुपीज़ के आ रहा हूँ, तो यार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो भी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड यार इस वीडियो को शेयर कर देना जिनको भी एक 25,000 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। एंड यार तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन पीस आउट।